मोदी वॉन्ट ओपन द कंप्लीट बोहरा कमीशन रिपोर्ट नाउ इन पार्लियामेंट बिकॉज नाउ लुक मेनी बीजेपी पॉलिटिशियन विल आल्सो बी एक्सपोज्ड। सौरभ जी, मैं तो आप जानते हो मैं 12 में नौकरी छोड़ के पीएम, आप साजिश की कहानी पढ़ रहे हो, लेकिन जब पीएम ही कह चुके हैं शरद पवार मेरे गुरु हैं तो बोरा कमेटी की रिपोर्ट कैसे बाहर आई? उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा शरद पवार मेरे गुरु हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा, बोरा कमेटी में शरद पवार के नाम है। सौरभ राजी, फिर से सुपर चैट के लिए आपका धन्यवाद। महाराष्ट्र में बीजेपी का ऐसा फेस देख के काफी गुस्सा आता, आना ही चाहिए। आम जनता, जब आप बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं, जब वो अर्णब के पक्ष में नहीं खड़े हैं, और अर्णब छोड़िए, वो स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं खड़े विधानसभा में, हम और आप किस अधिकार से बोलेंगे? कल को हमें उठा लिया जाएगा तो ये तो बचाने नहीं कोई आएगा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो लोग हैं उसमें काफी ऐसे लोग हैं जो ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे थे, आपको किसी ने नहीं कहा भाजपा के पक्ष में बोलने के, ऐसी एरोगेंसी आ गई। और 80% वो लोग भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं जिनका भाजपा के नेताओं से कोई लेना नहीं, जो भाजपा के नेता उनके चेहरे भी नहीं जानते, प्रवक्ता मलाई चाट रहे हैं सब, तो आपका गुस्सा तो जायज। ऐसा कोई रिजोल्यूशन लोकसभा में पीएम मोदी ला दे जो अब तक हंगामा मच जाता, मीडिया विल पे फॉर इट्स कर्म बाय सिटिंग साइलेंस ऑन दिस जस्ट ड्यू देयर बिजनेस इंटरेस्ट। बिल्कुल, अभी ये महाराष्ट्र में क्यों आप कह रहे पीएम मोदी विधान ले आते संसद में, किसी भाजपा के स्टेट में आ जाता तो हंगामा मच जाता, लेकिन आश्चर्य है कि भाजपा के लोगों ने हंगामा नहीं मचाया, 105 विधायकों ने सपोर्ट किया इसको। हंगामा तो कांग्रेस मचाती है 50 के साथ कीड़े की तरह उछल उछल के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सीखना सोचना चाहिए कि आम जनता ने आपको जो वोट दिया है और हम सब जितने सपोर्ट के लोग हैं वो हर हालत में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पर लोकतंत्र को इस तरह से आप डूबने मत दीजिए। लोकतंत्र कुछ लोगों के जागीर नहीं है कि वो लोकतंत्र को बर्बाद करेंगे। महाराष्ट्र में ये दिख रहा है कि जागीरदारी प्रथा चल रही है। आप सबका बहुत धन्यवाद। क्या राज्य द्वारा बनाए नियम सुप्रीम कोर्ट पे लागू होते हैं? निधि राजपूत जी ने कहा, मैंने आपको ये कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो जो इसको एक्सक्यूट करने का अधिकार क्या है, कुछ नहीं है, वो कौन से पुलिस से करवाएगी? वो नोटिस पे नोटिस जारी करेगी, राज्य विधानसभा नहीं जवाब देगा, उसने कहा हम संज्ञान ही नहीं लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट करेगी क्या? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी सेना और अपनी पुलिस तो है नहीं, वो तो नखदंत विहीन है, वो तो उसके अधिकार में ही वो ताकत है। कल को नोटिस जारी कर दी है, अब मानना कर ये जाएगा नहीं, नोटिस ऐसे फाड़ के फेंक देगा, क्या करेगी सुप्रीम? मैं मेंबरों को और सुपर चैट का ले लेता हूं केवल, क्योंकि मुझे असल में आप लोगों के काफी सारे जो पुस्तक है जो विदेशों का है मैं बता देता हूं, और उसके लिए मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस लेना होगा, उसके लिए काफी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना है मुझे, तो उस चक्कर में अभी एक अपने सीए के साथ मेरी बैठक है, डिजिटल बैठक है, तो वही मैं करने जा रहा हूँ, ताकि जो बाहर के विदेश के बुक्स के ऑर्डर है kaput.in पे वो उनको डिलीवर किया जा सके, और वो बिना एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस लिए नहीं हो सकता, तो उस प्रक्रिया में मैं लगा हुआ हूँ, इसलिए मुझे 4:15 बजे से बैठक में बैठनी है, मतलब बैठक करनी है, इसलिए मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग जो भी विदेश के ऑर्डर हैं आप निश्चिंत रहें, उच्च पहुंचवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं छोटा पब्लिशर हूँ, छोटा ई कॉमर्स है हमारा, पर हम सारे लाइसेंस ले रहे हैं, सारी व्यवस्था की, आपने देखिए कि लेट ही सही, थोड़े लेट हो रहे हैं आपको, क्योंकि कोविड के कारण कुरियर कंपनी में भी स्टाफ कम है, दिल्ली घेर रखा है तो किताब निकलने में थोड़ा टाइम लगता है दिल्ली से, लेकिन सबको पहुंच रहे हैं, अब मुश्किल से 12-13 ऑर्डर और रह गए हैं मेरे पास, वो भी पहुंच जाएंगे, और आप लोग साजिश की कहानी और कहानी कम्युनिस्टों की का ऑर्डर kaput.in पर लगातार देते रहिए, ये जब तक आप नहीं पढ़ेंगे फेक नैरेटिव नहीं तोड़ पाएंगे, ये सब मैं कह रहा हूँ, और उसका जो नंबर है 8826291284 उस व्हाट्सएप पे भी आप ऑर्डर दे सकते हैं, और मैं कई अच्छे ऑथर्स, बड़े ऑथर्स साइन करने जा रहा हूँ, आपको कुछ ऐसी पुस्तकें जो बड़े पब्लिशर्स ने नहीं छापी, और जो बड़े बड़े कांग्रेस के घोटालों पे है और उस सिस्टम के घोटालों पे, कि कैसे भारत में अगर तेल का कुआं मिला और उसको कैसे अमेरिकन लॉबी के कारण हमारे ही नेता और ब्यूरोक्रेट्स ने बर्बाद कर दिया, इंडस्ट्री सब ने मिलकर बर्बाद किया, इन सब की बड़ी बड़ी आपको एक पूरी सीरीज मिलने वाली है,
तो आप निश्चिंत रहिए, 3:30 बजे का तो स्पेशल शो होता ही है। तो वो सब सारी पुस्तकें जो नहीं छपी, कहीं बड़े पब्लिशर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि केस हो जाएगा 300 करोड़, 100 करोड़, ऐसे ऐसे केस कॉर्पोरेट के, वो मैं रिस्क लेने जा रहा हूं आप लोगों के भरोसे। तो आप लोग पुस्तक के ऑर्डर्स देते रहिए, ताकि उसी पैसे को मैं किसी लाला जी को नहीं ला रहा इसमें, उसी पैसे को मैं अगली पुस्तक की प्रिंटिंग में डाल सकूं। 1:1 ऐसे ऐसे चलेगा तो जाके ये बढ़ेगा, और मैं आपको ऐसे ऐसे चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन पुस्तकों के जरिए और वीडियोस के जरिए दूंगा, ताकि आप कहोगे इससे क्या होगा, इससे आपकी जागरूकता आएगी, आपके बच्चों की, आपके मोहल्लों की, ये जब जागरूकता आएगी, कोई जब वोट मांगने आएगा तो पूछ तो सकोगे भैया क्या करोगे। और आपकी जागरूकता से ही तो ये घबरा रहे हैं, सोशल मीडिया के क्या है, जन जागरूकता, उसी से घबरा के ये तो भागे हैं। इसे आपकी जागरूकता, जब तोप कहा गया ना, जब तोप चल रही हो तो आप अखबार निकाल दीजिए, तोप ध्वस्त हो जाएंगे। जन जागरूकता से बड़ा कुछ नहीं है। तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस से इतना बड़ा हो गया अकबर काल में ही, कि अकबर और सब भूल गए, रामचरितमानस घर घर, वही स्थिति हम करेंगे। और जो लोग सक्षम है वो 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए, अगर इस अभियान को चलाना है, नहीं चलाना है तो जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।